का पहला और 875 का दूसरा। राजेश आपकी बेटी तो प्रियंका जी, पहला स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे जो फोकस में रखेंगे हम, वो भारती एयरटेल का रहेगा। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए मिल रहा है। अगर ये देखें तो सेकंड कंजिक्यूटिव वीक है यहाँ पे, जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए दिखी है। स्टॉक में आज डेरिवेटिव डेटा भी देखे तो लॉन्ग बिल्टअप के साइन बनते हुए दिखे। तो स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन के बाद, स्टॉक में सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। हमें लगता है भारती एयरटेल को यहाँ से बाय करना चाहिए। अपसाइड में इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं 950 960 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 910 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है जुबिलेंट फूड का। स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में एक गिरावट देखने को मिली थी, आज काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। आज अच्छे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, हमें लग रहा है जुबिलेंट फूड यहाँ से एक मोमेंटम एक्सटेंड करेगा। 555 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 524 का। तीसरा स्टॉक ऑटोमोबाइल स्पेस से, टू व्हीलर स्पेस पे, काफी बार हमने चैनल पे रिकमेंड भी किया है इसे, टीवीएस मोटर। एक सस्टेंड अप ट्रेंड यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है और स्टॉक में जो पिछले 2-3 दिनों में एक गिरावट देखने को मिली थी, पूरी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज वापस से क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टीवीएस मोटर में जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, ये फर्दर अप मूव यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए दिख सकती है। 1550 हमें लगता है इसका नेक्स्ट लक्ष्य आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 1473 के आसपास। गुड आफ्टरनून। क्या आप ऑटो सेक्टर पर नजर बनाए हुए हैं या जहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है बैंक्स जैसे स्पेसेस, वहां से रेकमेंडेशन होंगी? आज के ट्रेड्स क्या होंगे? जी, आई थिंक ऑटो थोड़ा सा ज्यादा चल गया इंट्राडे बेसिस पे, बट यस, टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो टाटा मोटर, बजाज ऑटो, आइस्चर तीनों का भी टेक्सचर बुलिश ही है और चांसेस यही है कि वो कंटिन्यू रह सकता है। सो ओवरऑल ऑटो अच्छा कर रहा है, बट मैंने जो पिक किया है वो एक सपोर्ट्स लेवल पे जो स्टॉक्स अवेलेबल है वहां पे मैंने फोकस किया है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है तो शायद एक डीप इंट्राडे करेक्शन मिल जाए। तो स्ट्रैटेजी यही है कि सपोर्ट्स लेवल पे बाय करें। तो एसबीआई कार्ड्स मुझे एक अच्छा लग रहा है, करंट लेवल 835 के आसपास चल रहा है और टारगेट मुझे लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 870 और 875, और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 819। आई थिंक एक स्टॉक में एक अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन बन रहा है और चांसेस है कि यहाँ से हम एक क्रेश अप ट्रेंड रैली देख सकते हैं। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ है, सो चांसेस है कि यहाँ से नया अप ट्रेंड रैली आ सकता है स्टॉक में। दूसरा मुझे लग रहा है कि एक सीपला एट करंट लेवल अच्छा लग रहा है, 1230 के आसपास है, 1275 और 1285 पोजिशनली टारगेट है और स्टॉप लॉस उसका है 1205। एक रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, काफी टाइट कंसोलिडेशन है और ओवरऑल मार्केट अगर टेक्सचर बुलिश है और ये भी हायर बॉटम फॉर्मेशन में है तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये भी कंसोलिडेशन इवेंचुअली पॉजिटिव साइड्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा और आने वाले दिनों में फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी चले तो इस साल सिप्ला में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। तो ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सिप्ला जहाँ थोड़ा स्टेक सेल को लेकर भी न्यूज़ में रहा है, हालांकि एक न्यूज़ आई थी जो वैल्यूएशन जो सीक कर रही है सिप्ला प्रमोटर्स, वो थोड़ी ऊपर है बाजार इस वक्त, आप देखें तो 1234 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल सिप्ला में मोमेंटम तो बन गया है। 1275 का टारगेट सिप्ला का पहला टारगेट दे रहे हैं अमूल, और साथ ही एक और स्टॉक उन्होंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, एक बार फिर से लेकर आते हैं उसके टारगेट भी देख लेते हैं। सो जो अमूल के बेट्स हैं वो एक सिप्ला से है और एक और ट्रेड लेकर आते हैं उनका, और फिर उसके बाद राजेश पालविया से भी उनके ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, एसबीआई कार्ड है, एसबीआई कार्ड है और टारगेट है 870 का पहला और 875 का दूसरा। राजेश आपकी